हेलो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि हम जाएंगे 10 किलो, यहाँ से रोइंग से 10 किलो, और वहाँ से अंदर पता नहीं 1-2 किलोमीटर कितना दूर होगा, टोटल 12 किलोमीटर के आसपास हम साइकिलिंग करके जाएंगे। उसके बाद मेरे मासी के घर, जहाँ पे हम मासी लोग से मिलेंगे पता नहीं कितने साल बाद, और वही है आज का एक प्लान। और वहीं पे देखेंगे, आज को पूरा दिन गुजार के वापस लौटने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कल लौट के आएंगे। तो गाइस, फिलहाल के लिए उजाला हो गया, मतलब आदमी देखने लायक हो गया है, आदमी को पहचान सकते हैं। तो फिलहाल बज रहा है 5 बजे के अराउंड, जब सब दिख जा रहा है, तो चलिए अभी निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कैसा होता है, आज का दिन कैसा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मेरा मासी के बेटा लोग आगे दौड़ रहे हैं, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो लोग सुबह सुबह रनिंग करने आते हैं रोड पे, तो हम उनके मिल गए। उन्हें पता नहीं कि मैं उनके ठीक पीछे हूँ। जैसे चल रहा हूँ मैं, ताकि खबर ना हो, ट्रैक सरप्राइज दो। बता तो दिया था मैंने कि आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर दिखाने नहीं आ रहा ना, जैसे मैंने बताया इस हिसाब से बता तो दिया था, पर उन्हें अभी पता नहीं कि मैं उनको ठीक पीछे हूँ। उसे पता नहीं अभी घर से निकलेगा या फिर कुछ और पता नहीं, पूछेंगे मिलने के बाद, पर अभी उन्हें शायद पता नहीं। ठीक है, चलते रहेंगे अपन, जब तक अभी दौड़ के थकेंगे मुड़ेंगे नहीं, मुड़ते मुझे पाएंगे तो सोचिए कैसा रिएक्शन होगा। मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, वो भी देखते उनका रिएक्शन, देखने में मेरे को बहुत मन है। वो लोग कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ेंगे, उसके बाद उनका रिएक्शन देखेंगे क्या कैसा होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपन इस तरह से स्टंट थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो गाड़ी उड़ा दे हो, इसीलिए अपन उनका वेट करेंगे, अपन उनका रिएक्शन देखेंगे। अरे भाई, बूंदा बूंदी गिर रहा है ऊपर से, बारिश आ रहा है। और भाई दब, ये स्कूल खुल रहा है यहाँ पे 9 किलोमीटर रोइंग से, 9 किलोमीटर की दूरी पे, शायद अच्छे फैसिलिटीज के साथ। गुड मॉर्निंग रोहित दा, सन्चो हुनुहुन्छ? दूर से देख लिया, रिएक्शन कैसे करने का नहीं मिला। हेलो एमटीवी, कैसा है? शौक नहीं लगा हूँ इतना सुबह आगे डाले। तो आज अपने BMW में 10 किलोमीटर ना, बहुत बड़ा बात है हमारे लिए, हमारे दोस्तों भाइयों के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को प्रमोट करने के लिए रोइंग से आए हैं, यूट्यूब चैनल है इनका। आप कंटिन्यू करिए, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय, एज यू कैन सी भैया लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, हम सरप्राइज देने का बात था, पर इतना शौक तो नहीं, बस गांव के अंदर बस्ती के अंदर घुस गए हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या बोलता है अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज बताइएगा। इतने सारे कचरे एक साथ। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा शेकी आ रहा हो सकता है, जैसा कि मेरा ये मासी के बेटा भैया जो है उनको पता नहीं था, मैंने फ़ोन करके बताया तभी पता चला। तो वैसे मासी लोग और उनके मतलब पूरा फैमिली में किसी को पता नहीं है, बहुत सारा चीज़ था करने को, पर पता नहीं हमेशा ऐसा हो जाता है कि कर ही नहीं पाते, जैसे कि मेरे को टाइम लेस बनाना था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, भाई लोग भी साइकिल लाया था, ठीक है। जब भाई जो ही मेरा आता नहीं, भाई लोग पास में था इसीलिए नहीं। ओ भाई, ऐसा रास्ता मेरे को छोटा में बहुत याद आता है गाइस, काफ़ी छोटा रास्ता था। और इसके देखिए साइड साइड में ये उठा रहता है, अगर इस तरह जाएगा ना तो साइकिल हो या कुछ भी हो, बाइक हुई, स्लिप हो जाता है। और इस तरह का मिट्टी गांव का, और क्या कहते हैं इसे, रास्ता बहुत याद आ रहा है।
एज यू कैन सी गाइस कितना मेहनत कर दे रहे हैं भैया लोग, भी मेरा थोड़ा मदद कर दे रहे हैं भैया लोग को, काफ़ी मेहनत लगा है इसी मेहनत के लिए। गाइस प्लीज ड्रॉप ए लाइक, उल्टा बैठ के मेरे लिए थोड़ा शूट कर दे रहे हैं। सोचिए ये तो धान है, ये भी अदरक है, ये भी अदरक देखिए, ये बड़ा गाज है। ये रोहित दादा की बेटी, रोहित भैया का क्यों नाम बहनी भांजी भतीजी छोरी भांजी सब ना। ओके तो रोहित भैया के घर से निकल के अपन जा रहे हैं अभी मासी के घर, रतन भैया के घर, जो कि मेरे आगे आगे साइकिल चला के चल रहे हैं। वहाँ से मेन रास्ते पर हम लोग यहाँ शॉर्टकट मार दिए हैं रोहित भैया घर से, और तो इसलिए अभी जा रहे हैं आगे। नमस्ते दीदी, नमस्कार नमस्कार, जोर ले जोर ले। तो घर में उठने के लिए सीढ़ी है, और ये एक सोचे कि हवा आने के लिए, और पर अपन है यहाँ पे, और ओ आगे लगा दी। अरे अरे गाइस यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया है, सरप्राइज लाइन तो थोड़ा बिगड़ गया। और तो मौसी दीदी के साथ बातें करके उसके बाद हम और रतन भैया निकल पड़े हैं मेरे दिन की जर्नी को पूरा करने के लिए इस गांव में, जो कि है 10 किलो हलकबारी। तो होप्स हो कि आप सबको पसंद आएगा और आप इंजॉय करेंगे। और अपन निकल रहे हैं और एक जगह जाने के लिए, दीदी और जीजा जी के घर। तो वहां पे भी थोड़ा भांजा भांजियों को मिलेंगे। वो ये भैया है, ये पानी लेने जा रहे हैं। हमें एक प्रॉब्लम है, छोटा से ये प्रॉब्लम था और अभी भी है, पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, पानी थोड़ा रुकना पड़ता है, पहले नदी से लेता था तो नदी शायद सूख गया ना, क्या हो गया पता नहीं, थोड़ा गंदा रहेगा और दूर भी हो गया ना नदी जाने के लिए, तो इसलिए यहीं पे ही ट्यूबवेल लगा लिए हैं। यूट्यूब में हाय कर दो सर। क्या करके बैठ रहे हैं भैया लोग, और खान पान इट्स YMTV चैनल में ये करना है देखना। अरे रतन भैया थैंक यू प्लीज प्रमोटिंग माई चैनल। रतन भैया घर था पहले यहाँ से, उधर कहीं में था, सोचे कितना दूर शिफ्ट हुए। तो ये दुकान छोटा सा यहीं पे है अभी, और हम लोग आए हैं इधर से, ये पूरा रबर का खेती, पहले छोटा छोटा था जब हम लोग आया था ना फर्स्ट जब ये लग रहा था तब, उसका सोचे इतना बड़ा अंदर हम नहीं आए यहाँ पे, तो सोच लीजिए कितना साल हो गया है। बहुत सारे मेमोरीज है गाइस, बहुत सारे। करंट का अभी प्रॉब्लम है, जबकि ये कितना साल हो गया ये लगाया था, एक साल हो गया, तो यहाँ से एक और कितना साल लगेगा यहाँ से इधर ले जाने के लिए। इधर का गांव वालों को तो लाइट ही नहीं मिला तक, इतना आ गया तो फिर यहाँ से ले जा सकते हैं, आशा करते हैं जल्दी करेंगे अगर कोई ऑथोरिटी देखेगा तो। 10 किलो हलकबारी दुकान, और इधर रबर का खेती, आजकल इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना गाइस, जल्दी से जल्दी कर दे तो काफ़ी अच्छा था गांव वालों को। ओबियसली मैं इस गांव का नहीं हूँ, बट वो फील लग होता है ना। तो ये है लास्ट प्लेस और लास्ट घर जिसमें हमको जाना है, मकई मकई, वाओ मकई मकई, ओह माय गॉड। दीदी लोग यहाँ पे आप ही आगो ना, ओ वाह, मैना जीजा जी और भांजा जो उधर लगे हैं बकरियां निकालने में। तो यहाँ से दीदी जीजा जी के घर से निकले हैं अपन, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आज ही ख़त्म करके निकले। ओके यार गाइस, तो जहाँ जाना था चले गए अपन, सबसे मिल लिए, और अभी फिलहाल से बज रहा है 9:08, सोचे 3 से 4 घंटा में सब कुछ हो गया अपना।
अच्छा नहीं दे दिया, काफी शांति है, बछड़ी है तो बछड़ा आने से उसे कुछ करना था। कान देखो, कान से उसका आंख ढक गया। ओ मोटू पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू। अरे वो मेरे मासी का बेटा बोल रहे हैं, उनको दूर पहुंचे, वो बोल रहे हैं कि इधर छाया में बैठ जाओ। इधर छाया छाया तो है, और अगर हमको बैठना ही होता तो हम घर पे ना रुक जाते। हिचकियां चल रही हैं, कौन याद हमारे यहाँ पे एक मिथ है, अब वो ट्रू है ना फॉल्स मतलब पता नहीं। हिचकियां चलने से कहा जाता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। कैसा है क्या तीन? तो काफी अच्छा है, काफी टायर्ड हो गए हैं, बहुत कुछ किया हमने और काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके काफी सालों के बाद। तो गाइस बैटरी परसेंटेज काफी लो है, 2% ओनली। तो और देख सकते आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं शाम हो चुका है और हमने बहुत कुछ किया जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा। तो इसके आगे शायद वीडियो ना हो पाए क्योंकि मैं पावर बैंक लाना भूल गया और यहाँ पे करंट अपडेट नहीं है जैसा कि मैंने वीडियो पे आपको एड्रेस किया है। सो देखते हैं कुछ अगर बन पाया रात में तो करेंगे, वरना बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी बज रहा है 4:27, तो हम लोग 4:30 पे निकलेंगे यहाँ से, ऐसा बोल रहे भैया। काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग वाला फील, और बाय द वे बैटरी चार्ज हो गया, रात को दिया था चार्जिंग के लिए। सो इसके चलते थोड़ा अपने को मोबाइल और रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया है। सो ओके गाइस रेडी हो रहे हैं, तो भैया और हम भी हो गए रेडी। सो निकलने का वक्त आ गया है। ये वन ऑफ माय फ्रेंड बन गई थी बछड़ी नीनी, और बाय बाय आपको देखे बाय 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 बाय। मासी लोग घर से निकल गए हैं, बाय बाय। मुझे सीन आ रहा उधर, भैया लोग भी सुबह वही जैसा कल का जैसा हमको मिला था वैसे दौड़ने वोड़ने जा रहे हैं, तो भैया का साथ ही रोड तक जाएंगे अपन। ओके गाइस तो हम लोग आ गए हैं क्या कहते हैं से रोड पे, ये हाईवे, और आगे दो भैया दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे में जहाँ तक वो जाएंगे चलेंगे साथ में, ठीक है। पर जितना मैंने देखा गाँव पे इधर पानी नहीं आ गया, पूरा सूखा पड़ा हुआ है ना, तो असली ऐसा मिट्टी को ऐसा मानते मतलब पूरा समझ रहे हो ना आप, पूरा मिट्टी सूख गया है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, फसल्स बहुत बिगड़ रही हैं बारिश नहीं होने की वजह से। अब क्या ही कर सकते हैं, नेचर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये है वो पॉइंट जहाँ से हमें अलग होना है, देर दे आर जा रहे हैं हम लोग घर की ओर, और हम निकलेंगे इधर ड्रॉइंग की ओर अकेले। सो बाय बाय भाई लोग, सामने तो फिर बोल दिए उस टाइम वीडियो नहीं कर पाए। सो अब सीधा चलते हैं गाइस, तो ठीक है गाइस बाय बाय। ओह माय गॉड,